थाईलैंड के नए टूरिस्ट प्लेस हुए प्रमोट, पिंक सिटी जयपुर में हुए प्रमोट, एयर एशिया और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड का इवेंट। जयपुर के एक होटल में टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड और एयर एशिया की तरफ से ट्रेड पार्टनर एवं मीडिया मीट का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड नई दिल्ली की तरफ से थाईलैंड को लेकर ट्रेड पार्टनर को एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में थाईलैंड के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारी दी गई। Yeah, actually in the past we have, since we, let's say, we waived the form, right, the immigration form, from that time, we don't know exactly how much from last time, but in the past is what a big number as well. Even it's less than 10% from all over Indian passengers to Thailand, but it's quite a big number. Last year is 1.6 something. Actually, the visa fee is really effective to promote Indian tourists. You see, since we compare to the last year in the same period, we found that it's growth up for the 40%. और अभी वीजा एक्सटेंशन 11 नवंबर तक एक्सटेंशन हो चुका है, तो आपको सिर्फ पासपोर्ट उठाना है, रिटर्न टिकट्स एंड यू कैन फ्लाई टू थाईलैंड। खावियाई, कंचनापुरी जैसे क्लोज डेस्टिनेशन फ्रॉम बैंकॉक, इसको भी प्रमोट करने आए हैं। एयर एशिया ने दी फ्लाइट्स की जानकारी। इस कार्यक्रम में एयर एशिया की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि एयर एशिया की फ्लाइट से आप थाईलैंड के अलावा और कहां कहां जा सकते हैं। सो हमारा राजस्थान से रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारा भी सीजन टाइम पे भी हमारे लोड फैक्टर्स आर मोर देन 95% एंड हम 5 बार वीकली फ्लाई करते हैं टू बैंकॉक। एंड वंस यू लैंड इन बैंकॉक, हम कराबी, फुकेट, चैंग मै, चैंग रे, दुसथानी, वी फ्लाई टू ऑल दीज डेस्टिनेशंस। जो फैमिली ट्रैवलर के लिए और इवन माइस प्लेयर्स के लिए जो कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं उनके लिए बड़े फेमस हैं। सो फ्रॉम राजस्थान जयपुर से वी फ्लाई टू कोलमपुर ऑल्सो। कोलमपुर से हम वी हैव वेरी गुड कनेक्शंस टू बाली, वी हैव वेरी गुड कनेक्शंस टू ऑस्ट्रेलिया, वी हैव वेरी गुड कनेक्शंस टू वियतनाम। सो हमारे दो हब्स हैं जयपुर से, वन इज डॉनम्योंग विच इज़ बैंकॉक एंड वन इज कोलमपुर। तो इनके पास लैंड होने के बाद देन देर आर मोर देन 7 कंट्रीज जहाँ पे आप फ्लाई कर सकते हैं। सो वी आर वेरी इकोनॉमिकल, हमारा प्रोडक्ट बहुत कंफर्टेबल है, आर सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू रेस्ट LCCs। और सबसे अच्छी बात है हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, विद इन आशियान वी हैव द बेस्ट नेटवर्क। जैसे मैंने बताया वी फ्लाई टू बैंकॉक एंड कोलमपुर, वंस यू लैंड देयर फिर आप आशियान में किसी भी कंट्री पे यू कैन फ्लाई। आप वियतनाम फ्लाई कर सकते हो, आप इंडोनेशिया फ्लाई कर सकते हो, आप सिंगापुर फ्लाई कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर सकते हो। सो वी हमारे USPs आर नेटवर्क। एयर एशिया ने निकाले लकी ड्रॉ, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने भी बांटे पुरस्कार। इस मौके पर टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड और एयर एशिया की तरफ से ट्रेड पार्टनर के लिए क्विज भी रखी गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। साथ ही एयर एशिया की तरफ से दो लकी ड्रॉ भी निकाले गए। खासखबर.com के लिए सतेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।